नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी को नमस्कार, मैं सुनीता, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथलड्डा सोनीपत, आप सभी का नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशंस में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है, प्यारे बच्चों, 10th क्लास का टॉपिक है सोशल साइंस का, जिसका नाम है संघवाद। इससे पहले जो हमने पहला चैप्टर किया था, ओके, वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है स्क्रीन भी, ओके, तो चलो चलते हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने सत्ता का विभाजन किया था, याद होगा? तो उसमें हमने तीन स्तर किए थे, बेल्जियम का मॉडल शायद आपको याद होगा। एक किया था हमने क्षैतिज विभाजन, जिसमें विभिन्न अंगों के बीच विभाजन था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक हमने किया था ऊर्ध्वाधर विभाजन, जिसमें विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विभाजन था, जैसे राज्य स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और फिर स्थानीय स्तर की सरकारें या सामुदायिक प्रकार की सरकारें, याद होगा ना? तो आज इस चैप्टर में बेसिकली हमने वही करना है, संघवाद क्या है, मतलब सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है, ऊर्ध्वाधर विभाजन में हमने क्या किया था, ऊर्ध्वाधर विभाजन, तो उसी को आज हमने करना, बेसिकली उसी का पार्ट है ये संघवाद। ऊर्ध्वाधर विभाजन में क्या था, जैसे कि ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीचे स्थानीय स्तर की सरकारें, तो इनके बीच इस प्रकार सत्ता का विभाजन था अलग अलग सत्रों पर, तो उसको हमने सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा था। तो आज जो हमने करना है उसमें हम पहले करेंगे संघवाद। संघवाद क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत में संघवाद किस प्रकार है, कितने प्रकार का होता है और आगे हम करेंगे कि संघवाद किस प्रकार रिटेन किया गया, भारत में कैसे इतने संघ कार्य कर रहा है और फिर इसी में जो मॉडिफिकेशंस किए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, संविधान में संवैधानिक संशोधन हुए, जिसके बाद स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को भी बांटा गया, लगाया गया, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, तो वो भी हमने पढ़ना है। तो बेसिकली तीन टॉपिक बुलेट पॉइंट में, तीन टॉपिक में हमारा ये सब टॉपिक में चैप्टर होगा, संघवाद क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, भारत में संघवाद कैसे। दूसरा पार्ट जो हमारा होगा बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद विविधताओं को किस प्रकार संघीय ढांचे में ढाला गया, और तीसरा संवैधानिक संशोधन के बाद किस प्रकार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। तो आज हम इन्हीं तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलते हैं, संघवाद क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो संघवाद क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन है जिसकी हमने डिटेल करनी है, तो संघवाद क्या है। संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें अनेक सत्रों पर, दो या दो से अधिक सत्रों पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसको संघवाद कहते हैं। जैसे बेल्जियम में हमने देखा था, तो एक सरकार की केंद्र स्तर पर, एक सरकार हमारी कौन सी थी, जो केंद्र स्तर पर थी, और दूसरी थी राज्य स्तर पर, और तीसरी वहां पर सामुदायिक थी, है ना? तो दो से ज्यादा हो गई ना, केंद्र, राज्य और सामुदायिक, इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो भारत में भी कुछ ऐसा ही है, पहले पहल जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो उसमें दो सत्रों पर सरकार का विभाजन था, केंद्र और राज्य स्तर पर, फिर स्थानीय स्वशासन को भी लाया गया। तो अब हम इसको संघवाद को अगर देखें तो क्या है, आप नोट डाउन कर लेना डेफिनेशन, संघवाद ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक सत्रों पर शक्तियों का विभाजन होता है, दो या दो से अधिक सत्रों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, उसको हम संघवाद कहते हैं। क्लियर? अब इसमें अगर हम देखें संघवाद जैसे भारत में है तो ये लगभग दो प्रकार का है। अब हमें क्लियर है कि केंद्र सरकार की अधिक शक्ति, अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकारों की अलग है, और संविधान के द्वारा भी ये प्रावधान है कि सभी की शक्तियां अलग अलग बटी हुई है। क्लियर? अब इसी में संघवाद में ही दो प्रकार आ जाते हैं,
संघवाद में एक आता है होल्डिंग टुगेदर, और दूसरा आता है कमिंग टुगेदर। नोट डाउन कर लेना। कमिंग टुगेदर में क्या है, इस प्रकार की व्यवस्था देशों में है जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड इत्यादि जैसे देशों में। कौन सी व्यवस्था? कमिंग टुगेदर। अब आप कहोगे जी एग्जांपल तो बता दी, ये होती क्या है कमिंग टुगेदर? कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र या अधिक प्रांत आपस में मिलकर कमिंग टुगेदर इकट्ठे होकर शासन चलाते हैं, सभी की अपनी स्वायत्तता होती है, स्वतंत्रता होती है, सभी के अपने मुद्दे होते हैं, विदेशी मामले होते हैं, लेकिन कुछ विषयों पर वो अपनी मिलजुल कर सरकार चलाते हैं जिससे कामकाज अच्छी प्रकार से हो जाता है। उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर, जिसमें केंद्र भी और प्रांत भी दोनों के पास बराबर की शक्तियां होती है, इवन प्रांतों के पास ज्यादा शक्तियां होती है, क्लियर? और पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड तो होते हैं पर पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, जहां स्वायत्तता, विदेशी मामले, अपने देश का विकास, उन चीजों पर कोई किसी भी प्रकार की मतलब मतभेद भी अगर होता है तो उसकी व्यवस्था होती है, तो किसी प्रकार की सहमति नहीं होती, वो विकास होता ही है, क्लियर? अब दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर जैसे हमारे भारत में है, होल्डिंग टुगेदर है, भारत का है, बेल्जियम का है, इसमें क्या होता है होल्डिंग टुगेदर में, कि जब अनेक स्तर की सरकारें इकट्ठी हो जाती हैं, मिलजुल कर सरकार चलाती हैं, तो उसको होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो देखो केंद्र को भी शक्तियां, प्रांतों को भी शक्तियां, स्थानीय स्वशासन में भी विकेंद्रीकरण कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ी होती है, इसमें केंद्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, क्लियर हो गया? यानी जो मेन पावर होती है, यद्यपि सभी के बीच अलग अलग विभाजन है, लेकिन मुख्य पावर अगर कोई मतभेद होता है या कोई किसी प्रकार की विवाद की स्थिति आ जाती है तो केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, वो सारे इकट्ठे मिले हुए होते हैं ताकि सभी को विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को समाहित करते हुए अधिकार मिल जाए, अपने अपने क्षेत्र का सब कार्य करें। सभी की शक्तियां विभाजित है, लेकिन फिर भी अगर विवाद की स्थिति में या कोई आगे बढ़ने की स्थिति में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय केंद्र को अधिक मान्यता दी जाती है। तो ये दो प्रकार की संघीय व्यवस्था थी, आपको शायद क्लियर होगी होगी। फिर बता देती हूँ होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर में होता है अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, बावजूद उसके केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त होती है अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो, ठीक है? भारत, बेल्जियम इत्यादि देशों में इसी प्रकार की सरकारें हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े बड़े अक्षेत्रों में उनमें अनेक प्रकार की विविधताएं होती हैं, उन विविधताओं को समाहित किया जाए, अलग अलग स्तर पर लोगों को अधिकार दे दिए जाए, लेकिन एक केंद्रीय शक्ति है जो उनमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ बीच में एक्सरसाइज में कुछ आपके लिए एक्टिविटी भी है कि अगर राजस्थान में परमाणु परीक्षण या पोखरण में परीक्षण करना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार नहीं चाहती तो क्या वो मना कर सकती है? नहीं। हालांकि वो राज्य का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश के संपूर्ण देश के विकास के लिए, क्योंकि राज्य देश का अंग है, तो इसलिए वो पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकती। केंद्र सरकार की सहमति से वहां पर परमाणु परीक्षण करने की अनुमति होती है, केंद्र सरकार वहां कर सकती है। तो क्लियर हो गया कि शक्तियां अलग अलग है, फिर भी केंद्र को अधिक अधिकार होते हैं, तो इसका लगभग एकात्मकता की ओर झुकाव होता है, क्लियर? दूसरा आता है कमिंग टुगेदर, जिसमें सभी को बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, बल्कि प्रांतों को केंद्र की अपेक्षा ज्यादा शक्तियां होती हैं, वो सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो अब इसके बाद हम, ये आपको समझ आ गया होगा संघवाद क्या है और दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर।
तो हमारे कंट्री में कौन सी है? होल्डिंग टुगेदर, क्लियर। उसके बाद अब हम चलते हैं संघवाद क्या है और उसकी संघवाद क्या है वो हमने कर लिया, तो नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं संघवाद की विशेषता। संघवाद की विशेषता, अब आपको देख के सुन के भी और कुछ ना कुछ तो इसमें पता ही चल गया होगा कि संघवाद की विशेषताएं क्या है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है कि इसमें अनेक स्तर की सरकारों के बीच, अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच क्या होता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, क्लियर। और दूसरा क्या आएगा, इसमें अलग अलग सरकारों को कानून बनाने, कर वसूलने और अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्तर की सरकारों को कर वसूलने, कानून बनाने और प्रशासन पर अपना अधिकार करने, प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। यानी केंद्र सरकार की सरकार, केंद्रीय सरकार है तो वो राष्ट्रीय स्तर के निर्णय ले सकती है, पूरी स्वतंत्रता है। राज्य स्तर की सरकारें अपने राज्य में विकास के लिए समुचित निर्णय ले सकती है, है ना, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, पूरे भारत में है, ठीक है। लेकिन राज्य में अपने हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा बोर्ड हमारा अलग से एक स्वायत्त शासी संगठन है जो शिक्षा के लिए है, तो ये अपनी शक्तियां हैं अलग अलग। तो हर स्तर की सरकार की अपनी शक्तियां, अपने अधिकार अक्षेत्र होते हैं। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था और आ रहा होगा, अधिकार अक्षेत्र। मैंने एक वर्ड यूज किया ना कि हर स्तर की सरकार के अपने अपने अधिकार अक्षेत्र है, कोई दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता और तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी संघ लागू अच्छे से हो सकती है। कैसे हस्तक्षेप नहीं करते, अधिकार अक्षेत्र क्या होता है? अधिकार अक्षेत्र होता है एक निश्चित सीमांकित अक्षेत्र जिसके भीतर सभी प्रकार के निर्णय लागू करने और निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार उस संबंधित सरकार के पास ही होता है। तो किसी अक्षेत्र विशेष की सरकार के अधीन आने वाला अक्षेत्र जिस पर वह सभी प्रकार के निर्णय ले सकता है वो उसका अधिकार अक्षेत्र कहलाता है, क्लियर। जैसे हरियाणा है, भौगोलिक बाउंड्री सीमित है, उस पे हरियाणा सरकार को पूरा अधिकार है, वो अपने कानून नियम बना सकती है, राजस्व उघारी का सारे कार्य कर सकती है, ठीक है। अब तीसरा आता है, तो पहला हमने क्या किया, अनेक स्तरों पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। दूसरा हमने किया हर स्तर की सरकार के अपने अपने स्पष्ट अधिकार अक्षेत्र होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, विभिन्न स्तर की सरकारों के अक्षेत्र संविधान में मूल रूप से उल्लिखित है, स्पष्ट होते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगला आता है संविधान में परिवर्तन यानी संशोधन, हम इसको कहते हैं, परिवर्तन भी नहीं कहते। तो संविधान में जो मौलिक कानून होते हैं या मौलिक विभाजन है शक्तियों का, उनमें कोई एक विशेष स्तर की सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया संशोधन, संशोधन वर्ड केवल संविधान के लिए जरूर आता है, परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि संशोधन क्या है, जब हम मौलिक ढांचे में किसी निश्चित प्रक्रिया के तहत परिवर्तन करते हैं तो उसको संशोधन या अमेंडमेंट कहते हैं। वो निश्चित प्रक्रिया क्या है कि संसद दो तिहाई बहुमत से मौलिक नियमों से संबंधित जो संविधान में उल्लिखित है उनसे संबंधित कोई कानून पास कर सकती है। उसके बाद राज्य सरकारें उसी कानून को दो तिहाई से अधिक बहुमत से अनुमोदित करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, तभी वो उसमें परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा कोई एक स्तर की सरकार मौलिक कानूनों में, मौलिक नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो एक निश्चित प्रक्रिया होगी कि कोई भी प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पहले संसद में पास होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राज्य सरकारों के पास आएगा, तब मौलिक रूप से संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। ये तो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा मौलिक कानूनों या नियमों में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अलग अलग स्तर की सरकारों की निश्चित भागीदारी होती है। अगला आता है, अब ये इतना कार्य करने के लिए क्या करते हैं, कहाँ से पैसा मिलता है,
तो नेक्स्ट आ गया वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान अलग अलग स्तर की सरकार के अलग अलग वित्तीय प्रावधान है, यानी केंद्र सरकार अपना राजस्व अलग वसूल सकती है, राज्य सरकारें अपना अलग वसूलती हैं, टैक्स लगाती हैं, जो राजस्व वसूली है उससे अधिकार क्षेत्र में आती, उससे आय प्राप्त होती है, कुछ जो सेंट्रल डोनेशन है, सेंट्रल फंड है, उनसे भी आय प्राप्त होती है, ताकि एक दूसरे का मिलजुल कर विकास हो सके। तो इन सभी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता भी यहाँ से मिलती है। जैसे ये मेन मेन पॉइंट्स के नोट्स बने हुए हैं, आप भी इसी कहीं से बना लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसमें किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे की ओर अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, मैं इसको रख कर देती हूँ। संघीय संघवाद की विशेषताएं क्लियर होगी होगी आपको। ओके, यह लोकतंत्र की आत्मा होती है सभी सही मायनों में, क्योंकि अलग अलग स्तर पर लोगों की भावनाओं की कद्र होती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर होगा कि अगर आपने बता तो दिया जी कमिंग टू होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में बराबर होती है, केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर किसी विषय पर किसी कारण मतभेद हो जाए तो फिर क्या होगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो अनेक अंग हैं तो वो अंग अपना अपना कार्य करते हैं, तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र व्यवस्था है, स्वतंत्र संगठन है। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की सरकारों के बीच किसी भी प्रकार का शक्ति विभाजन को लेकर या कोई विशेष कार्य को लेकर, नीति निर्माण करने से संबंधित, किसी चीज को, किसी नियम को, सिद्धांत को लागू करने से संबंधित, अगर संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कोई भी विवाद होता है या कोई विशेष कार्य होता है, तो न्यायपालिका को विशेष प्रावधान है जो संविधान में उल्लिखित है। तो न्यायपालिका मध्यस्थता कर सकती है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है जो सभी को मानना पड़ता है। विशेष न्यायपालिका की खंडपीठ और परामर्शदात्री संस्था किसी विशेष विषय पर इवन देश के सर्वोच्च मुखिया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को भी सलाह दे सकती है अगर वो मांगते हैं तो। ठीक है, इनको संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार होता है कि किसी चीज पर दोनों स्तर की सरकारों के बीच बहस हो जाती है केंद्र और राज्य स्तर पर, तो न्यायपालिका को उन चीजों की व्याख्या करने का अधिकार है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये है, इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे लागू कर सकते हैं। किसी नियम को लेकर हो जाता है तो उसमें मध्यस्थता कर सकती है। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि संघीय व्यवस्था कैसे लागू हो, लागू कैसे हो। अब संघीय व्यवस्था को, अब हमें सभी को, इससे पहले हम एक बार और देखते हैं कि भारत में, भारतीय संविधान में किस प्रकार संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर हम इन्हीं विशेषताओं को देखें तो बहुत ही क्लियर कट है कि संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो उसके लिए सूचियां बनाई गई हैं। क्या सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो बच्चों उसमें तीन मुख्य सूचियां हैं। पहली सूची आती है संघ सूची, आप नोट डाउन कर लेना संघ सूची। दूसरी आती है राज्य सूची और तीसरी कौन सी आती है, समवर्ती सूची। इनमें अलग अलग प्रकार के विषय हैं और अलग अलग सरकारों पर इन पर कानून बनाने का अधिकार है। जैसे पहली संघ सूची है, संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, केंद्र सरकार को। जैसे कि हमें पता है कि केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र से संबंधित होती है, तो इसमें अधिकतर राष्ट्रीय महत्व के विषय मामले सम्मिलित होते हैं। लगभग वर्ड आई एम यूजिंग, लगभग 97 विषय इसमें शामिल हैं जो हमारे संविधान में ही उल्लिखित है। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, रेलवे, सुरक्षा, ये सारा हमारा किसमें सम्मिलित है, संघ सूची में। ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है, कैसे नियम कानून कैसे बनेंगे, किस प्रकार राजस्व एकत्रित कितना होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू केंद्र सरकार।
संघ सूची में, क्लियर, राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है बच्चों? राज्य सरकारों को। इसमें राजकीय महत्व के विषय होते हैं। राजकीय महत्व राज्य से संबंधित, जैसे पुलिस है, प्रशासन है, बैंकिंग है, बीमा इत्यादि की व्यवस्था है, वो राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय होते हैं। लगभग वो लगभग 67 विषय इसमें शामिल है। क्लियर, इन पर पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, जिनमें केंद्र सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करती। पूरी तरह राज्य स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, इन विषयों पर अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, इवन सलाह भी नहीं दे सकती केंद्र सरकार। चाहे तो ले सकती है सरकारें, राज्य सरकारें, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है, माने या ना माने, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। क्लियर, नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। इसमें लगभग 47 विषय है, जिन पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसमें स्थानीय विषय, अनेक महत्वपूर्ण विषय जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य से संबंधित है, बैंकिंग से है, या भूमि का वितरण है, या आपका तलाक, विवाह इत्यादि से संबंधित मुकदमे हैं, वो सारे इसमें होते हैं। कौन सी में? समवर्ती सूची में, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। और हाँ, विशेष उल्लिखित है कि अगर दोनों सरकारों के बीच किसी विषय को लेकर कोई द्वंद्व या विवाद हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो स्पष्ट है जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वो अधिक मान्य होगा, वो मान्य होगा। यही व्यवस्था वो है जो होल्डिंग टुगेदर सरकार में एकात्मकता की ओर झुकाव करती है, है ना, कि हमारी संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था की ओर इसका झुकाव पाया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जब संविधान बना, लगभग ये विषय बांट दिए गए थे, सूचियों का स्पष्ट विभाजन है, कोई एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता, पूरी तरह स्वायत्तता है, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे थे जो बार बार विकसित होते गए और रह गए, जैसे इंटरनेट का, नेटवर्किंग का है, कंप्यूटर का क्षेत्र है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विकास का है। ये विषय बहुत सारे ऐसे थे जो इन तीनों सूचियों में रह गए, आए ही नहीं, तो उसके लिए क्या था, उसके लिए एक और सूची बनी हुई है। जो विषय अतिरिक्त रह गए हैं उनको हम अवशिष्ट सूची में शामिल करते हैं और उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वो राज्य से संबंधित हो सकते हैं, वो राष्ट्र से संबंधित हो सकते हैं। जो इन तीनों सूचियों से विषय अलग रह गए, उन बचे हुए सभी विषयों को अवशिष्ट सूची में शामिल कर दिया गया। क्लियर, तो अब इससे हमें क्या स्पष्ट होता है, आप इसमें भी देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ क्या है, संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी उसका एकात्मकता की ओर झुकाव है, यानी केंद्र को स्पष्ट विभाजन है शक्तियों का, फिर भी केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त है। अगर यहाँ भी द्वंद्व या विवाद होता है तो केंद्र का मान्य हो गया, अतिरिक्त विषय भी किसमें आ गए, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गए। यहाँ भी जो विषय होते हैं वो सारे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, शासन सेम लोगों पर करते हैं, एक ही देश के लोग होते हैं, लेकिन उनकी स्थानीय विविधताओं को समाहित करने के लिए अलग अलग स्तर पर सरकारों का विभाजन किया जाता है। आई होप यू क्लियर दिस, आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। तो अब इसके बाद चलते हैं कि किस प्रकार इन सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखा जा सकता है और कैसे संघवादी व्यवस्था कायम हुई। आपको पता है सभी को, हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। हम कैसे भूल सकते हैं, आप अपने दादा दादी सभी से कहानियां सुनते होंगे, हम अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं कितना युद्ध हुए, कैसे मारकाट हुई, और भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बट गया 1947 में जब भारत आजाद हुआ। अगर नहीं भी सुने हो तो अपने पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठो, ये पूछा करो, ताकि इससे आपको थोड़ी सी नॉलेज भी मिले। तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय दो प्रकार का भारत था, एक ब्रिटिश भारत था, यानी जिसको ब्रिटिश भारत तो उस समय खैर चला गया था, रजवाड़ों के अधीन भारत, और एक दूसरा स्वायत्त भारत।
अब जो रजवाड़ों के अधीन था लगभग 500 लगभग वर्ड आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन somebody asked me last time also that madam ये तो इसमें सम्मिलित हो गया but साथियों मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि टाइम टू टाइम अपडेशन आती रहती है लेकिन ये भी फैक्ट है जब तक हमारी किताब अपडेट नहीं होती तो हम बच्चों को उन्हीं के लेवल के अनुसार जो बुक में है वही चीज लेकर चलते हैं। अब जैसे इसमें आएगा जम्मू कश्मीर का मैं क्लियर बताऊंगी भी क्योंकि ये पूरा परफेक्ट हो चुका है बुक अपडेट होने में टाइम लगेगा लेकिन वो चीजें हाईलाइट हम कर सकते हैं पर इस टाइप के जो डाटाज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपनी बुक को बेस मानकर चलना पड़ता है बच्चों क्योंकि जब किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो फटाफट ये कहा जाता है बोर्ड की ओर से कि किताब में दिखाओ कहां से आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे तो हम अपनी बुक को ही आधार मानते प्राइवेट नहीं एनसीईआरटी बुक्स को जो हमारी पाठ्यक्रम में है। क्लियर। तो यहाँ लगभग 562 देसी कई बार कई जगह ये मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों कई जगह 565 भी है जो हिस्ट्री वाले परफेक्शन है उसमें शायद 565 है कईयों में मैंने भी डाटा सर्च किए हैं तो लगभग 562 देसी रियासतें थी जो राजाओं और नवाबों के अधीन थी। अब धीरे धीरे इनका भारत में विलय हुआ जैसे वो भारत में फिर सम्मिलित हो गई जब भारत ये जो स्वायत्त भारत था इसमें भी अनेक विविधताएं थी। अब हमने बेल्जियम का श्रीलंका का पढ़ा दो तीन भाषाओं के आधार पर भी इतनी विविधता थी फिर भी अनेक द्वंद हुए और उन्होंने नए मॉडल भी अपनाने पड़े। ठीक है तो भारत में तो इतने प्रकार की विभिन्नताएं हैं एथनिसिटी के आधार पर जनजातीय विविधता है एथनिसिटी मतलब जनजातीय निर्जातीय विविधता मानव समूह में विविधता जाति के आधार पर तो एथनिसिटी के आधार पर भाषाओं के आधार पर अक्षेत्र के आधार पर अनेक प्रकार की भाषाएं थी तो इन सभी को किस प्रकार हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को संघवाद को कायम करते ये समस्या थी। तो उस समय इस समस्या को दूर करने के लिए कई बातें ध्यान में आई कि कैसे किया जाए कि या तो भाषा के आधार भाषा को आधार माना जाए या जाति को आधार माना जाए किस चीज को आधार माना जाए या उनकी अनेक स्थानीय विभिन्नताओं को आधार क्यों कहीं ना कहीं ये भी विश्वास था कि कभी हम इन चीजों को आधार मान ले और देश मिलने के बजाय टूट जाए तो इसलिए फिर सोच समझ कर ये हमारे नेताओं ने विधि विशेषज्ञों ने निर्णय लिया कि भारत को भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए। तो उस समय हिंदी को हम कहते हैं ना मातृभाषा हिंदी को राजभाषा बनाया गया हिंदी को राजभाषा बनाया गया और राजभाषा में लगभग अगर आज भी हम देखते हैं तो हमारी 40% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। इसमें विवाद उत्पन्न हो गया साउथ के राज्य थे खासकर तमिलनाडु में वो इंग्लिश को प्रेफरेंस देते थे सभी राज्यों की अपनी भाषाएं थी अलग अलग तो वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो इसलिए क्या डिसीजन लिया गया कि किसी एक भाषा को मान्यता ना दी जाए तो 1956 ईस्वी में ध्यान रहे 1956 ईस्वी में राज्यों का भाषाओं के आधार पर विभाजन किया गया तो जिसको हम कहते हैं भाषाई विभाजन राज्यों का भाषाओं के आधार पर विभाजन किया गया और फिर उसमें संघवाद की विशेषताएं आई मतलब अलग अलग राज्य भौगोलिक आधार भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों को सीमांकित कर दिया और वहां की अलग अलग सरकारें उनको सभी प्रकार की शक्तियां दे दी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 18 भाषाएं थी फिर और जोड़ी गई और इस समय वर्तमान में हमारी हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषा जैसे आप देखोगे मैंने क्लास में भी कराया तो बच्चों से आंसर पूछा तो उन्होंने कहा 21 भाषा जी वो अतिरिक्त छोड़ दिया हिंदी के अतिरिक्त तो 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में बाद में इसमें 3 और शामिल की गई तो इस समय हमारी भाषाओं का वर्गीकरण 8वीं अनुसूची में है और इस समय हमारी 22 भाषाएं हैं जिनके आधार पर राज्यों का गठन किया गया है और हिंदी हमारी राजभाषा है दक्षिणी भागों में अंग्रेजी को भी राजभाषा में शामिल रखा गया है कि वो अपने अक्षेत्रीय कार्य जैसे तमिलनाडु में विवाद हुआ तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अपनी अक्षेत्रीय या अपने राजकाजीय कार्य जो प्रशासकीय कार्य है उनको वह अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो हिंदी भाषा को लागू करें। क्लियर हो गया।
तो 1956 में राज्यों का भाषाओं के आधार पर गठन किया गया। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो था कि संघीय व्यवस्था को कैसे संभाला जाता है। अब जैसे मैं आपको बुक का पार्ट दिखाऊं तो इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो मैंने आपको पोखरण का दिया, एक्टिविटी बेस्ड है, आप इनको जरूर पढ़िएगा। इससे आपको जो आपने अब तक पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या था, कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भाई मान लो हरियाणा में हम अपना भाषाई संशोधन करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन है थिंकिंग बेस्ड, जो आपकी विजन को, अपनी थिंकिंग को वाइड करेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, ये आपकी वो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई विभाजन ये जरूर पढ़िएगा। अब आता है केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध है। अभी हमने ये तो कह दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तो अब इनके बीच संबंध क्या है, कैसे है, तो ये सभी एक दूसरे से होल्डिंग टुगेदर है ना, तो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अब जैसे जो छोटे छोटे केंद्र सरकार राष्ट्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर अपना शासन चलाती है, राज्यों को पूरी स्वायत्तता दी गई है, कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो इतने अधिक बड़े भी नहीं है कि अलग से सरकार हो जाए, लेकिन भाषा के आधार पर, अन्य विविधताओं के आधार पर वो अलग है, तो उनको हम कहते हैं केंद्र शासित क्षेत्र। मतलब गठन तो उनका अलग है उनकी स्थानीय विविधताओं के आधार पर, लेकिन केंद्र शासित यानी केंद्र सरकार के द्वारा शासित है, केंद्र सरकार का उनका नियंत्रण है। उदाहरण आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हो, लास्ट टाइम भी ऐसा विवाद हुआ था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हुई क्योंकि पुलिस की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो इस टाइप से दिल्ली छोटा है जिसमें केंद्र सरकार स्वतः शासन कर रही है, भले ही जनसंख्या अधिक है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ है, पंचकूला आपका दमन दीव है, पांडिचेरी है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, ये सारे हमारे, अब तो जम्मू और लद्दाख भी आ गए, तो ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन पर केंद्र सरकार शासन चलाती है। अगर विवाद होता है किसी विषय पर तो वह राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होने के बाद भी वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्लियर हुआ इतना? अब आता है कि इसी के साथ ही शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात आई, और कैसे, जब, क्यों आई, क्वेश्चन उसमें क्या रेज हुआ कि अगर केंद्र में और राज्य में, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य में अगर एक ही दल की सरकार है जैसे लंबे समय तक रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो नीतियां केंद्र सरकार लागू करती है वही राज्य सरकारें लागू कर सकती है। लेकिन जब केंद्र में अलग सरकार हो और किसी राज्य में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार हो जाती है, तो इनके बीच विवाद की स्थिति आ जाती है। ये केंद्र सरकार फिर राज्यों को ओवरकम करने की कोशिश करती है कि हमारी शक्तियां ही इन पर लागू हो जाए, जैसे हम चाहे वो करें, कई प्रकार की बंदिश लगाती है। दिल्ली का एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल है, इसलिए स्वतंत्र राज्य की संकल्पना का विकास वहां हो रहा है। ठीक है, तो इनके बीच इस प्रकार के, उसको टालने के लिए कि इनके बीच ऐसी कोई विवाद की स्थिति ना हो, तो कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ पर गठबंधन सरकार की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? गठबंधन सरकार की व्यवस्था है, जिसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। वो क्या होती है, जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो अनेक राजनीतिक दल मिलकर, जिनकी नीतियां विचारधारा एक जैसी होती है, तो एक प्रकार की सरकार बना लेते हैं ताकि वो केंद्र के नियंत्रण में ना जाए और अपनी स्वायत्तता कायम रख सके। जैसे अब हरियाणा में भी हो रहा है, एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की मिलीजुली सरकार है, गठबंधन सरकार है, जिससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और उनकी स्वायत्तता कायम रहती है। अब 1990 ईस्वी में बाढ़ में दिया हुआ है कहीं पर, फिर वही 1990 दिया हुआ है कहीं पर, तो 1992 में संविधान का 92वां संशोधन हुआ। उस संशोधन में 1990 में हुआ 92वां संशोधन, क्या संशोधन किया गया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, क्या किया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लास्ट पार्ट है ये हमारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आपको समझ आ रहा होगा ना,
अगर ना आए तो मुझे बता देना, फिर डिस्कस कर लेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये क्या होता है कि मान लो एक ये पार्ट है, यहाँ पर पावर है, अब यहां से राज्य को तो आ गई, इन दोनों के बीच तो स्पष्ट विभाजन हो ही गया, राज्य को मिल गई कुछ, केंद्र को मिल गई, और अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सरकार है राज्य, और ये दोनों के बीच ये केंद्र हो गई और ये राज्य सरकार है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। अब राज्यों से और केंद्र से कुछ कुछ शक्तियां लेकर एक तीसरे स्तर की सरकार और है जो स्थानीय स्तर है, तो उस स्तर पर भी शक्तियों को दे दिया गया ताकि वो स्वायत्त हो जाए, तो उसको कहा गया स्थानीय स्तर की शक्तियां। और विकेंद्रीकरण क्या हुआ, यानी केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय स्तर की सरकारों को दे दी गई, जिसको स्थानीय स्तर की सरकार कहा। वो स्थानीय स्तर की सरकार पहले भी थी, लेकिन जो 92वां संशोधन हुआ उसमें क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि उससे पहले चुनाव होते थे लेकिन वो किसके अधीन थे, राज्य सरकारों के अधीन थे, ग्राम पंचायत के, नगर पालिका, नगर निगम के, और वो रेगुलर इंटरवल पर नहीं होते थे, विशेष जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं था। क्यों किया गया शक्तियों का विकेंद्रण, ये माना जाता है कि जो स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं, जो लोग होते हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के बारे में वही अच्छे से जानते हैं और उनका निदान भी वही अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय स्तर पर दे दी, जिसको स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहा गया। क्या कहा गया, स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में विशेषकर पंचायती राज, जो तीन स्तरीय व्यवस्था थी, व्यवस्था है पंचायती राज, वो कौन कौन सी है, गांव में पंचायतें जिसको पंचायती राज कहते हैं, और शहरों में स्थानीय शहरी निकाय, शहरी स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था थी, गांव में ग्राम पंचायत जिसका प्रधान सरपंच होता है, गांव के सभी सदस्य जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, सभी निर्णय ग्राम पंचायत इन्हीं के साथ लेती है और ग्राम पंचायत के चुनाव में भागीदारी होती है, और जो इनको पंच कहा जाता है, और जो गांव का प्रधान होता है उसको सरपंच कहा जाता है। क्लियर। विभिन्न ग्राम पंचायतें एक ब्लॉक के अंदर जो आती है, सभी ग्राम पंचायतें उनसे मिलकर क्या बनती है, ब्लॉक समिति, जिसका एक मुख्य प्रधान होता है जो डिस्ट्रिक्ट के अधीन कार्य करता है, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखता है, सभी ग्राम पंचायत के पंच सरपंच इसके सदस्य, सभी सरपंच इसके सदस्य होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। फिर आता है जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद के सदस्य जो ब्लॉक के जितने सदस्य होते हैं वो सारे चयनित सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं, इसके अलावा किसी भी जिले के विधायक हैं जो राज्यों के होते हैं, विधायक है, मंत्री है, वो सारे इसके राजकीय सदस्य होते हैं, लेकिन संपूर्ण दायित्व अन्य सदस्यों के पास जो चयनित सदस्य होते हैं जिसको मेयर कहा जाता है उसके पास होता है। ये तो ये थी तीन स्तरीय व्यवस्था स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में, इसमें क्या प्रावधान किया गया, अब नियमित रूप से चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, 33% स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है, जहां से चुनाव वही लड़ सकते हैं, बाकी नहीं लड़ सकते, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रावधान जो पिछले चुनाव में ही हुए थे, और हाँ सबसे बड़ा प्रावधान क्या है कि इन स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को स्वायत्ता देने के लिए इनको अधिकार दे दिए गए, ये अपने यहाँ कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, जिससे आय होती है उससे अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, और राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराती है, तो इसलिए इसमें रेगुलरिटी आ गई है। और तो ये स्थानीय स्वशासन का हो गया, शहरी निकायों में नगर निगम और नगर पालिका होती है, बड़े नगरों में नगर निगम होती है जैसे फरीदाबाद में है, और जो छोटे नगर होते हैं उनमें नगर पालिका होती है, तो ये शहरी क्षेत्रों में होती है, इनका चुनाव किया जाता है, इनके जो प्रधान होते हैं उसको मेयर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार केंद्र स्तर से राज्य स्तर से शक्तियों का विभाजन कहा गया स्थानीय स्तर पर,
तो ये राज्य और केंद्र से शक्तियों के विभाजन को विकेंद्रीकरण कहा गया। संशोधन के द्वारा इनको अधिक शक्तियां दी गई, जिसमें पंचायती राज और शहरी निकाय आ गए, सरपंच, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, जिला परिषद जिला स्तर पर, ये सारे इसके अंदर आएंगे। ये ब्लॉक वाला सारा, इस पर एक दूसरे पर नियंत्रण होता है। ये नगरों की संस्थाएं हैं स्थानीय स्वशासन की, जो नगरीय क्षेत्रों में होती है। तो इस प्रकार ऊंचे स्तर से राष्ट्र स्तर से लेकर और नीचे गांव स्तर तक, ताकि हर एक की भागीदारी हो, हर एक की अधिकार शक्तियां संविधान में स्पष्ट उल्लिखित हैं और सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ये था हमारा संघवाद शक्तियों का विभाजन। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स।